आज हम दो कलर की पटिया ली है। इनकी चौड़ाई 5 इंच ली गई है। दोनों पटिये के हिस्सों को लेते हैं और दो उंगलियों पर एक राउंड लगा लेते हैं। ऑरेंज कलर की पट्टी पर दूसरे हिस्से पर एक सेफ्टी पिन अटैच कर लेते हैं और सेफ्टी पिन की सहायता से दो उंगलियों पर नोट लगाते हुए एक रिंग की गुथाई कर रहे हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के अनुसार। ग्यारह नोट लगाकर एक रिंग की गुथाई कर लेते हैं। 11 नोट लगाकर एक रेड कलर की पट्टी लेते हैं। इनकी चौड़ाई भी 5 इंच ली गई है। ये भी एक साड़ी की पट्टी ली गई है। रिंग के पास में सुई धागे की सहायता से रेड कलर की पट्टी को अटैच कर देते हैं। यह हमारा पहला राउंड शुरू हो रहा है और पहले राउंड में एक फंदे में दो नोट लगा रहे हैं। एक फंदे में दो नोट लगाकर पट्टी को चेंज कर लेते हैं। अब नेक्स्ट फंदे में दो नोट लगा रहे हैं। फर्स्ट नोट लगा चुके हैं, उसी में से दूसरी नोट लगा चुके हैं। रेड कलर वाली पट्टी को सपोर्ट में रखेंगे पूरे डोरमेट बनाने के लिए। पूरे डोरमेट में नेक्स्ट फंदे में दो नोट लगाएंगे। एक नोट लगा चुके हैं और उसी में से दूसरी नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार से एक राउंड लगा लेते हैं। इस प्रकार से हमारा एक राउंड पूरा हो जाता है। बारह कली का डोरमेट बनाएंगे। 12 हिस्सों में डिवाइड हो चुका है डोरमेट। ऑरेंज कलर वाली पट्टी, ये कली पर ऑरेंज कलर की गुथाई करेंगे और सपोर्ट में रेड कली को रखेंगे पूरे डोरमेट की गुथाई में। ये दूसरा राउंड शुरू है और दूसरे राउंड में एक फंदे में तीन नोट लगाएंगे। हर राउंड में एक नोट बढ़ती जाएगी। हर कली में एक नोट बढ़ती जाएगी पूरे डोरमेट में हर राउंड में। अब ग्रीन कलर की पट्टी से नोट लगाएंगे इस कली में, तो एक फंदे में तीन नोट लगा रहे हैं। पहले राउंड में दो नोट लगाई थी और दूसरे राउंड में तीन नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से हमारा दूसरा राउंड पूरा हो जाता है। ये हमारा तीसरा राउंड शुरू हो रहा है। और एक फंदे में दो फंदे निकाल रहे हैं। एक फंदे में दो नोट लगा रहे हैं और नेक्स्ट फंदे में दो नोट लगा रहे हैं। इस प्रकार से एक कली में चार नोट लगाएंगे।
तो हर राउंड में एक नोट कली में भर जाती है। अब ग्रीन कलर की पट्टी से नोट लगा रहे हैं, पहले फंदे में दो नोट लगा रहे हैं, दूसरे फंदे में दो नोट लगाएंगे। इस प्रकार से एक कली में चार नोट लगाएंगे। सभी पट्टियाँ साड़ी की ली गई है और सभी पट्टियों की लंबाई साड़ी की लंबाई के अनुसार कैंची की सहायता से काट लेते हैं। इस प्रकार से हमारा तीन राउंड पूरे हो जाते हैं और पीछे भी सेम डिजाइन बनती है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। ग्रीन कलर कली पर ग्रीन कलर की पट्टी से गुथाई करेंगे। जो कली बनी हुई है उस कली के किनारे पर एक फंदे में दो फंदे लगाएंगे और बीच में एक फंदे में एक ही फंदा लगाएंगे। कहने का मतलब एक फंदे में एक ही नोट लगाएंगे और साइडों में एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। अब ये साइड में है तो इसमें दो नोट लगाएंगे, तो इसे दो पांच, तो इसमें इस राउंड में एक कली में पांच नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार हमारा चार राउंड पूरे हो चुके हैं। अब हमारा पांचवा राउंड शुरू हो रहा है। कली के दोनों तरफ दो दो नोट लगाएंगे। अब इस कली के एक तरफ दो नोट लगा रहे हैं, एक नोट लगा चुके हैं, उसमें दूसरी नोट लगा चुके हैं। अब बीच वाले फंदे में एक ही नोट लगाएंगे। और नेक्स्ट फंदे में भी एक ही नोट लगाएंगे। अब किनारे वाले फंदे पर एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। तो इस प्रकार एक कली में छह नोट हो चुकी है। हर राउंड में एक कली में एक नोट भर जाएगी। इस प्रकार हमारा पांचवा राउंड पूरा हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। यह हमारा सातवां राउंड शुरू हो रहा है। कली के किनारे पर पहले फंदे में दो नोट लगाएंगे और बीच में जो फंदे हैं उस पर एक एक नोट लगाएंगे। कली के बीच वाले फंदों पर एक फंदे में एक ही नोट लगाएंगे और किनारों वाले फंदों पर एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। पूरे डोरमेट में यही प्रक्रिया चलती रहती है। अब ये किनारे वाला फंदा है कली का, इसमें एक फंदे में दो नोट लगाएंगे। एक नोट लगा चुके हैं, उसी में से दूसरी नोट लगा चुके हैं। इस प्रकार हमारा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। 12 कली वाला डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है। डोरमेट में किसी प्रकार का कोई झोल नहीं है। एक मोटा डोरमेट बनकर तैयार हो जाता है, मजबूत डोरमेट।
बारह कली वाला डोरमेट।